अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। बच्चों को रोज़ लंच में देना कुछ हेल्दी और घर का बना हुआ, तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गंदम के आटे से बने हुए ज़ीरा कुकीज़ बहुत ही बेस्ट हैं, जिसको आप बना सकते हैं विदाउट ओवन और ओवन में दोनों ही तरीक़ों से, और एकदम क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट से इस हेल्दी कुकीज़ की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल ले लेना है आपने, और उसके अंदर आधा कप बटर डाल देना है। ये रूम टेम्परेचर बटर है। बाउल में बटर डाल देने के बाद आपने इसमें क्या शामिल करना है, आधा कप चीनी का, ये पिसी हुई चीनी है। अब चीनी शामिल करने के बाद इन दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। याद रहे जितने अच्छे तरीके से आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, ये बिस्किट उतने ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए चीनी और बटर का ये मिक्सचर जब इस तरह से स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल, यानी यकजान हो जाएगा ना, तो आपने इसके अंदर एक कप भर कर गंदम का आटा शामिल कर देना है। तो आटा शामिल करने के बाद कुछ इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर आधा टीस्पून आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। एक टीस्पून भर कर डाल देना है सफ़ेद ज़ीरे का। आधा टीस्पून ही आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को डाल करना, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल यकजान हो जाने चाहिए सभी इंग्रेडिएंट। जो हमने इसके अंदर बटर ऐड किया है उसे आटे के साथ बिल्कुल अच्छा सा मिक्स कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम समोसे बनाते हैं और घी शामिल करते हैं ना उसके अंदर और उसको यकजान कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे आपने इन सभी इंग्रेडिएंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर इस सारे मिक्सचर को एक डो की शक्ल में हमें लेकर आना है। उसी के लिए एक कप में नीम गर्म दूध ले लेना है आपने, और थोड़ा थोड़ा शामिल करते चले जाना है इसके अंदर। बहुत कम, तकरीबन आधा कप दूध ही इसमें शामिल होगा, और ये एक बेहतरीन सी डो की शक्ल में आ जाएगा सारा मिक्सचर। मिक्सचर को बिल्कुल आपने नरम नहीं करना है, इस डो को बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए एकदम, ना बिल्कुल हार्ड हो और ना ही नरम, बिल्कुल दरमियाने लेवल का आपने डो बनाकर तैयार कर लेनी है। और जब ये मिक्सर थोड़ा दूध डालने के बाद डो की शक्ल में आ जाएगा, तो आपने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है, ताकि अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाए हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो शामिल किया है। अब यहाँ देखिए, डो को आपने किसी नॉन स्टिकी बर्तन के ऊपर डाल लेना है, यानी स्टील का बर्तन बहुत ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पर किसी भी किस्म का आपको इसके अंदर बटर पेपर बिछाने की जरूरत नहीं रहेगी। डालकर इस तरीके से बेलन की मदद से आपने हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। याद रहे बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, बस दरमियाने लेवल का आपने रखते हुए इस सारे मिक्सचर को बेल लेना है। फिर किसी कप, ग्लास या कुकीज़ कटर की मदद से इस तरह से आपने इनको काट लेना है। और ये सारा प्रोसेस करने से पहले मैंने ओवन को ऑन कर दिया था। 10 मिनट पहले आप ओवन को ऑन कर दें, ताकि वो अच्छा सा प्री हीट हो जाए और ये कुकीज़ 25 मिनट के अंदर आपके बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इनको कटर की मदद से काट लेना है। अब इन सभी कुकीज़ को रखेंगे ओवन में, 25 मिनट से 30 मिनट के अंदर आपकी कुकीज़ जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आया है, और ये बिल्कुल हेल्दी हैं गंदम के आटे से बने हुए ये कुकीज़ आप बच्चों को ईजीली लंच में दे सकते हैं। तो बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर से आपने ट्राई करना है, या चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, टिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।